now. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपराजिता प्लांट के सीड्स को कलेक्ट करके और इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि जब रेनी सीजन स्टार्ट होगा तब हम इसके सीड्स को फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो ये देखिए, ये अपराजिता का प्लांट है और इस प्लांट में जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है उतनी ही ज़्यादा इसके सीड्स भी बनते हैं। ये देखिए, इसमें अपराजिता प्लांट्स के सीड्स रहते हैं। तो इसको किस तरह से कलेक्ट करना है, जो ग्रीन है वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं तो उन्हें मैच्योर होने में कुछ टाइम लगेगा, बट जो ये देखिए ब्राउन हो गए हैं या थोड़े से ब्लैक टाइप का ये दिख रहा है ना, इस टाइप के जो हो गए हैं वो मैच्योर हो गए हैं। तो इन्हें तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसमें से इसके सीड्स को निकाल लेंगे। तो एक फली में कम से कम 5 या 6 सीड्स रहते हैं, तो इनको इस तरह से तोड़ के और उसमें से सीड्स को निकाल के और फिर आप इसे किसी एयरटाइट पॉलीथीन या एयरटाइट किसी बॉक्स में रख लीजिए और फिर जब रेनी सीजन स्टार्ट होगा तब आप इसके सीड्स को ग्रो कर दीजिएगा। देखिए, ये अपराजिता प्लांट्स के सीड्स हैं, ये ब्लैक कलर के, और आप इन्हें इसी तरह से स्टोर करके और रख लीजिए। रेनी सीजन इसके सीड्स को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम ये बहुत ही ईजली और बहुत ही जल्दी इसके सीड्स ग्रो हो जाते हैं और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। इसका प्लांट छोटा सा भी रहता है तभी इसमें सीड्स बनने लगते हैं। अगर आपने इसके सीड्स को नहीं भी निकाला तो भी सीड्स होते हैं वो अपने आप ही इसमें से निकल के और इधर उधर फैल जाते हैं। और फिर अगर आपका पॉट में लगा है अगर आपका प्लांट, तो उसमें भी फिर आप देखेंगे छोटे छोटे से प्लांट निकलने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपराजिता प्लांट के सीड्स को कलेक्ट करके और फिर इसे रख सकते हैं। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।